कुलधारा जैसलमेर राजस्थान। ये इंडिया की इकलौती ऐसी जगह है जो आज तक वीरान पड़ी हुई है। यहाँ आज तक ना कोई बसा है और ना ही आगे चलकर बस पाएगा। कहा जाता है कि इस गांव के ऊपर श्राप है। काफ़ी सारे लोग यहाँ गए हैं, उन्होंने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के होने का सबूत भी दिया है और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करी है। और बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कहा है कि वो अगर इस कुलधारा में जाते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि उनके पीछे कोई ना कोई एंटिटी तो आ रही है, उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो घट रही है। पर फिर भी कुलधारा में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि वो आज तक वीरान पड़ी है। तो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज हम लोग जानेंगे कुलधारा की बैक स्टोरी कि आखिरकार 300 साल पहले कुलधारा में ऐसा क्या हुआ था कि पूरा का पूरा गाँव एक रात में गायब हो गया। तो ये बात है आज से 300 साल पहले की। कुलधारा में तकरीबन 85 के आसपास गाँव थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुशहाल गाँव था। वहाँ काफ़ी सारे लोग रहते थे और गांव का एक मुखिया भी था। गांव के एक मुखिया की काफ़ी सुंदर बेटी भी थी और कहीं ना कहीं से तो उस राज्य के प्राइम मिनिस्टर, जिसको कि कर्ता धर्ता बोलते हैं, एक तरीके से आप प्राइम मिनिस्टर को राजा ही समझ सकते हैं क्योंकि वो पूरे राज्य को कंट्रोल करता है, तो उसकी नज़र गाँव के मुखिया की बेटी पर पड़ जाती है और वो उसको पसंद आ जाती है और वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो सबसे पहले तो गाँव के मुखिया के पास ऑफर लेकर जाता है कि आप मेरी शादी अपनी बेटी से करा दीजिए, मगर गांव के मुखिया इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। उससे में आकर सलीम सिंह गांव वालों को ये चेतावनी दे देता है कि अगर वो मुखिया की बेटी की शादी उससे नहीं कराते तो उनको कई गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। नेताओं के हिसाब से ये बताया जाता है कि गाँव के लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मुखिया की बेटी की शादी सलीम सिंह के साथ हो, इसीलिए एक ही रात में पूरा का पूरा गाँव ही अपना पूरा गाँव अपने पूर्वजों का गाँव छोड़कर वहाँ से चला गया। और कहाँ गया ये बात किसी को भी नहीं पता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांव वालों ने गांव से बाहर जाने से पहले गांव में एक श्राप रख दिया और उस श्राप इस तरीके से काम करता है कि आज तक कुलधारा में ना कोई बसा है और ना ही फ्यूचर में बस पाएगा। अब ये तो रही वन साइडेड स्टोरी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इसमें रोमांस और करेज की बात होती है। अब बात करते हैं टू साइडेड स्टोरी की। तो ये कहा जाता है कि सलीम सिंह, जो कि उस राज्य का एक तरीके से राजा था, उसने वहाँ बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिया था, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे जो कि लोग के लिए पे करना एकदम ही नामुमकिन जैसा साबित हो रहा था। तो पूरे के पूरे गांव के लोग एक ही रात में अपना गांव बस्ती छोड़कर वहां से चले जाते हैं और अपनी पूर्वज की भूमि छोड़ने का दुख तो सबको ही होता है। इसके चलते वो लोग वहां उस गांव को श्राप भी दे देते हैं कि वहां ना कोई बसा है और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कोई बसेगा। चलिए अब जानते हैं कि जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वहां गए उनका क्या रिएक्शन था और जब टूरिस्ट गए उन्होंने वहां के बारे में क्या बताया। तो मैं दूसरी की स्टोरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमारी गाड़ी उस रेतीले इलाके से गुजर ही रही थी। कुलधारा बस कुछ ही किलोमीटर्स आगे बचा था और आसमान में अभी भी धूप थी, यानी कि शाम तो हो चुकी थी मगर सूरज नहीं डूबा था। हमारी गाड़ी धूल भरे इलाके को चीरते हुए सीधा कुलधारा पे पहुंची और सही बात ये थी कि एकदम समय पर पहुंची। कुलधारा है ये ASI द्वारा प्रोटेक्टेड करा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। टिकट्स लेने के बाद हम लोग गाँव में पहुंचे। हम लोगों ने वहाँ गलियारे देखे, नाले देखे, घर देखे और वो घर बिल्कुल ही बेजान थे। घरों में छत नहीं थी और दीवार एक कंकाल के माफिक खड़ी थी। कर कोई भी बंदा ये बता सकता है कि इस नगर में अब कोई भी जान नहीं बची है, ये एक बेजान शहर हो चुका है। चारों तरफ सूखा पड़ा था और केवल धूल ही धूल देख रही थी। पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद हो चुका था। देखने पर तो ये लग रहा था कि उन लोगों के खुशहाल समय में भी यहाँ रहना काफ़ी भरा स्ट्रगल का काम होगा। और चलते चलते हमको कुलधारा में एक घर दिखा जो कि काफ़ी अच्छे शेप में था, तो हमने उसके अंदर जाने की सोची। तो हम उसके अंदर की ओर बढ़ने लगे और उसके दूसरे माले पर चढ़े। मेरी एक फ्रेंड भी साथ में थी, मगर ना जाने कहां से मुझे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो महसूस हुआ, ऐसा जैसे कि मेरे पीछे, यानी कि मेरे पीछे गले के पास से कोई गुजरा हो और वहाँ मेरे और मेरी फ्रेंड के अलावा कोई नहीं था। मेरी फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई और उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वहीं से लौट गई। और चलते चलते हम लोग को वहाँ एक मंदिर दिखा, तो मंदिर देखकर हम लोग की जिज्ञासा जागी और हम लोग मंदिर की तरफ गए। वहाँ हम टूटे हुए मकानों को ऐसे रेख ही रहे थे कि हमें तभी सडन एहसास हुआ कि यहाँ जिन लोगों की जाने गई हैं और जो लोग अपना ये प्यारी ज़मीन छोड़कर गए हैं उनको यहाँ से कितना ज़्यादा लगाव होगा। और ये बस कुलधारा पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात नहीं है, ये वहाँ की सैडनेस को दिखाता है कि लोग वहाँ जाने के बाद कैसा महसूस करते हैं। वहाँ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस लोगों की एक सैडनेस की फीलिंग है जो उनको एक्सप्रेस करती है और हॉरिफाई कर देती है। क्योंकि जब आप कुलधारा के लोगों के बारे में सोचते हैं और उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, वहाँ के टूटे फूटे मकानों को देखते हैं,
तो आपके अंदर भी ऐसी ही फीलिंग जागेगी और आप भी सैड हो जाएंगे, या सीधी सीधे कहूँ आप भी डर जाएंगे। और वहाँ आज तक जितने भी लोग गए हैं सबका यही कहना है कि गांव में कोई श्राप नहीं है और कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, बस एक तरीके की सैडनेस है जो कि वहाँ की हवाओं में फैली हुई है जो कि लोगों को डरा देती है। खैर गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। So see you in the next video. Till then, stay tuned. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.